हाँ भाई, तो इस बार नीट 2022 फिजिक्स के पेपर में मैंने जैसे ही कहा था एक क्वेश्चन गलत आया था, उसको भी फटाक से डिस्कस कर लेते हैं ना। और हमें एग्जाम में अगर ऐसे गलत क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है ना। तो देखो क्वेश्चन ये पढ़ लो इसको एक बार, है ना। क्या लिखा है भाई, टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई आर वन एंड आर टू, और आर वन को आर टू से बहुत ज्यादा दिया हैव इक्वल चार्जेस, है ना, दोनों के चार्जेस सेम है, ठीक है भाई। द पोटेंशियल वुड बी, फिर पोटेंशियल पूछ रहे हैं, इक्वल ऑन बोथ द स्फीयर्स, डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द स्फीयर, मो ऑन द बिगर स्फीयर एंड मो ऑन स्मॉलर स्फीयर। तो पूछो कहते हुए सीधा सा इक्वेशन लिखें तो हमें सीधा सा देख के लगता है पोटेंशियल होता है भाई के क्यू बाई आर, है ना, है ना। अगर हम ध्यान से ना सोचे तो हमें क्या लगे भाई, पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, और उन्होंने बोला चार्जेस सेम है भाई, के तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, चार्जेस भी सेम है, तो हम कहेंगे यार पोटेंशियल तो यार चार्जेस सेम है तो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर। तो उन्होंने पूछा है द पोटेंशियल वुड बी, किसका ज्यादा होगा, है ना, है ना। तो जिसकी रेडियस कम है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसकी रेडियस कम है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, आ जाओ भाई, है ना। हाँ, तो रेडियस कम किसकी, आर टू की रेडियस कम है, क्लियरली दिख रहा है आर टू की रेडियस कम है, आर टू की रेडियस कम है आर वन से, तो आर टू का पोटेंशियल आर वन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मोर ऑन स्मॉल स्फीयर, यही सोच के उन्होंने क्वेश्चन बनाया था। अब तुम कहोगे सर सब तो सही, फिर दिक्कत क्या है, नहीं भाई गलत है, गलत है भाई, गलत है, बताते हैं भाई क्यों गलत है। देखो भाई, पहले तो जब तुम लिख रहे हो पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू बाई आर, क्यू कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, उन्होंने मेंशन नहीं करा वो चार्ज पॉजिटिव है और नेगेटिव, और उससे कहानी पूरी बदल जाती है, उससे कहानी पूरी बदल जाती है, कैसे। तो देखो जब तुम बोल रहे हो ना, तो ये जो तुम बोल रहे हो कि आर छोटा होने से बी बड़ा होता है, वो बी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो ना, ये ऊपर वाला नंबर तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो तुम जो बोल रहे हो वो तुम बोल रहे हो एक्चुअली मॉड वी, आर जितना छोटा होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, इसका मैग्नीट्यूड उतना बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ में भी हो सकता है, कुछ में भी हो सकता है, है ना। तो जैसे तो आर टू अगर आर वन से छोटा है तो जो छोटा स्फीयर है उसका पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। नहीं आ रहा समझ, बताते बेटा देखो ना, जैसे मान लो, है ना, एक बड़ा स्फीयर ले लो आर वन, ऑल है ना, एक छोटा सा इसमें ले लो आर टू, है ना, ठीक है, ठीक है भाई। देखो मान लेते हैं इसके पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है, इसके पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड मान लो 1000 वोल्ट, मान लो है नहीं, वी वन छोटा है ना, मान लो इसका 10 वोल्ट है ना, और वी टू वाले का मान लो 1000 वोल्ट है, मान लो, है ना। तो देखो ये मैग्नीट्यूड में है ना। अब देखो अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है मान लो तुम्हारा, तो भाई चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो भाई क्लियरली चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, इसका पोटेंशियल 1000 वोल्ट हो जाएगा, इसका इसका 10 वोल्ट हो जाएगा, वी टू तुम्हारा 1000 वोल्ट हो जाएगा और वी वन तुम्हारा 10 वोल्ट हो जाएगा। तो क्लियरली वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, तो उस हिसाब से आंसर इज 4। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसके हिसाब से आंसर 4 है, पर अगर यहीं पर तुम चार्ज को नेगेटिव रख लो, है ना, अगर यहीं पर तुम चार्ज को नेगेटिव रख दो तो देखो तुम्हारी कहानी क्या हो जाएगी। अगर चार्ज तुम्हारा नेगेटिव है तो वी टू तुम्हारा 1000 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, वी टू माइनस 1000 वोल्ट हो जाएगा तुम्हारा, V2 will be माइनस 1000 वोल्ट, देखो माइनस 1000 वोल्ट, और V1 तुम्हारा हो जाएगा माइनस 10 वोल्ट। तो देखो ये 1000 10 से ज्यादा होता है, पर माइनस 1000 माइनस 1000 10 से कम होता है, तो तुम्हारा एक्चुअल में V2 will be less than V1। तो उस हिसाब से पोटेंशियल इस स्फीयर पे ज्यादा होगा, पोटेंशियल विल बी मोर ऑन, आंसर तुम्हारा 3 हो जाएगा उस हिसाब से। तो क्वेश्चन में गलती कर दी ना, स्लाइटली ध्यान से केयरफुली क्वेश्चन नहीं बनाया, कि तो क्योंकि आंसर डिपेंड करेगा उस पर चार्ज क्या है यार। इंडी डेस्टिव का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो इसी पे होता है कि तुम्हें ध्यान देना होता है, ये मानना नहीं होता कि भाई जस्ट बिकॉज मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए, साइन भी मैटर करता है वहां पे, ठीक है। तो ये है, उसके हिसाब से आंसर 3 हो जाएगा ना। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये क्यों दिया था आर वन वेरी मच ग्रेटर देन आर टू, ऑनेस्टली इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ज्यादा से ज्यादा तुम ये बोल सकते हो कि भाई आर वन बहुत बड़ा है तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तुम ज्यादा ये बोल दो कि भाई इसका पोटेंशियल 0 के बराबर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में भी 0 तुम्हारा, अगर ये 0 भी मान लोगे तो 1000 से 0 कम है तब भी हमारा यही आंसर रहेगा। और अगर तुम यहाँ पे भी 0 मान लोगे V1 को, इसके पोटेंशियल को 0 मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तब भी इसका ही ज़्यादा होगा क्योंकि इसका पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये माइनस 1000 है, ये 0 है, 0 इज ग्रेटर देन माइनस 1000, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, R1 वेरी मच ग्रेटर देन R2 हो या ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या सोच के बनाया, इट इज मीनिंगलेस, है ना, ठीक है। हो सकता है वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बोलना चाह रहा हो, तो वो एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें अपन पढ़ते हैं भाई कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, एक अंदर है एक बाहर है, तो हो सकता है आर टू को अंदर है आर वन, ये बनाना चाह रहा हो वो क्वेश्चन, पता नहीं है ना, है ना, ये बनाना चाह रहा हो वो भी फ्रेम नहीं कर पाए, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते तब भी आंसर इस पर डिपेंड करता चार्ज पे, तब भी आंसर सेम रहता।
अगर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है तो अंदर वाले के पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हमेशा बाहर वाले से ज्यादा होता है, ये हमारा फिजिक्स सॉलिड्स पॉइंट है। पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड, अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना, ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रख लेना, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर दो स्फीयर है, एक अंदर एक बाहर है होल स्फीयर, तो अंदर वाले के पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हमेशा ज्यादा होता है ना। तो अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर वाले का पोटेंशियल ज्यादा होगा, जस्ट लाइक दिस वन, बिल्कुल आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। पर अगर दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो अंदर वाले के पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, पर जब तुम उसमें माइनस लगा दोगे तो अंदर वाले का पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो फिर आंसर उसका भी थ्री हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन है भाई, है ना, तो आंसर थ्री और फोर भाई ये गलत है ना, ठीक है। अब उन्होंने जो आंसर दिया है वो क्यू को पॉजिटिव मान के दिया, मतलब यही देगा एनटी और क्या करेगा ना, बट है ना। और हमें भी देखो एग्जाम में यही करना है कि जब हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन गलत है ना, तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मानना होता है, हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट मानना होता है। तो तुम्हें दिख रहा है कि भाई दोनों के हिसाब से अगर अलग अलग आंसर आ रहा है तो पॉजिटिव के हिसाब से मार दो, है ना, ठीक है। तो वैसे तो क्वेश्चन गलत है, पर अगर हम चार्ज को पॉजिटिव मान लें तो आंसर फोर दिया जा सकता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया ना। तो देखो एक दो चीज़ है ना नीट एग्जाम में तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तो भाई है ना, तुम्हें हमेशा क्वेश्चन मतलब करते समय तुम्हें एग्जामिनर की भावनाएं समझनी है ना, क्योंकि बहुत सारी टाइम मैक्सिमम कई बार क्वेश्चन प्रॉपरली फ्रेम्ड नहीं होते और इस तरह की गलतियां पास्ट में भी आगे भी होंगी ना, तो तुम्हें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मानना होता है एग्जाम में हमेशा, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे नीट 2023 के लिए ड्रॉप दे रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, मेरा नया बैच सुपर अचीवर बैच 20 जुलाई से आ रहा है, इसमें सारे कोटा के टॉप टीचर्स हैं। जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना के डाल रखा है, इस बैच के पूरा डिटेल स्टडी प्लान 10 मिनट का वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको देख सकते हो। बाकी अभी एक अच्छा ऑफर चल रहा है, जितने भी बच्चे फिजिक्स लैब कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेंगे विच इज माई कोड, तुम्हें 20% ऑफ मिलेगा, ठीक है। ये ऑफर सिर्फ 22 जुलाई तक है, और उसी के साथ तो मेरे पर्सनल गाइडेंस पर हो गए, तुम्हें मेरे प्रायोरिटी ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी। प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जिनको नहीं पता भाई उसके बारे में भी एक छोटा 3 मिनट का वीडियो तुम देख सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ना। बाकी मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और बाकी जो भी बच्चे फिजिक्स लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेंगे वो मेरे पर्सनल गाइडेंस पर लेंगे, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और अगर कोई क्वेरी है सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, अगर इतना सा भी मन में डाउट है कुछ भी है, तो पहले भाई उसको क्लेरिफाई करना, उसके बाद ही सब्सक्रिप्शन लेना। तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी है एडमिशन से रिलेटेड, और ये मैंने दीज आर द नंबर्स ऑफ माई मैनेजर्स, तुम इस पर भी कॉल कर सकते हो डायरेक्टली ना, और मुझे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे मैं ही रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलो भाई बाय गाइस, और भाई टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना अगर कोई इसको फ्यूचर में देख रहा है, रिकॉर्डिंग वगैरह देख रहा है, तो लेटेस्ट जो भी हमारे नए बैचेस आते हैं, बहुत सारी फ्री सीरीज भी चलती हैं, स्पेशल क्लासेस होती हैं अकेडमी पे, जहाँ पे मैं फ्री क्लासेस देता हूँ, बहुत सारी चीज़ होती है ना, नए नए ऑफर आते हैं अकेडमी पे, तो फ्यूचर में कोई भी आता है तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर तुम्हें लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे। बाकी अगर फ्यूचर में कोई ये वीडियो देख रहा है और सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है, उसे पता नहीं अभी कौन से बैचेस से क्या चल रहा है क्या नहीं, तो बेटर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो ना, ठीक है। ये सारी चीज़ों की लिंक्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ ना। चलो भाई बाय, सी यू ना, बाय। भाई वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर वगैरह कर देना, है ना।